हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द ट्विन फैमिली। तो ये मेरी फ्रेंड, मेरी फ्लैटमेट है, इधर पास में रहती है, बालकनी से दिखते हैं। तो ये आई हैं ये लेके, बताओ क्या है। तो इसे हमारे यहाँ मैथिली में इसे एडकंचन पात बोलते हैं, एडकंच पात। और आप बताओ क्या बोलते हैं? मेरे साइड इसको अरबी का पत्ता बोलते हैं, शायद आप लोगों के साइड जनरली इसको अरबी का पत्ता नहीं बोलते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग अरबी के पत्ता से ही जानते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नेम हैं। आप कमेंट करना आप इसे क्या बोलते हो, ठीक है? तो आज हम और इसको बनाएंगे। आज मैं सीख के जाऊंगी इसको कैसे बनाते हैं। मुझे तो आता नहीं है। इनको कुछ नहीं आता है, मतलब आता है लेकिन ये बनाना नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं इनको सिखाऊं, मुझे इतना भी आता है, आज हम यही बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा लहसुन और प्याज और थोड़ा सा जीरा ये पीस के बेसन में मिला के इसमें नींबू और नमक डाल के इसको वो रोली करते हैं, वो करेंगे। आप देख रहे हो ना, तो वो करना है। तो वही मैं सबसे पहले लहसुन और ये इसको छील के मिक्सी में ग्राइंड कर लूं, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। डाल रही है बेसन मिक्स करने के लिए, रोल बनेगा, ठीक है? काफी है। बेसन की क्वांटिटी आपके पत्ते पे डिपेंड करता है, कितने पत्ते हैं आपके पास, ये बता रही है। हाँ, ये अपने अकॉर्डिंग ही लेना होता है, इतना मुझे भी नहीं पता। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये नमक ऐड कर रही हूँ, एक स्पून लगभग छोटा। अब ये जो हमने ये पेस्ट बनाया ना, ये इसमें अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसमें मिला देते हो तो। प्याज लहसुन के अलावा आपने और दो चीज ऐड किया था ना इसमें? प्याज लहसुन जीरा मिर्ची और जितने भी थोड़े थोड़े मसाले हैं वो डाल दो। तो वो नींबू इसलिए मिलाते हैं कि कई पत्ते जो होते हैं ना वो जीभ पे लगते हैं, तो उसको कम करने के लिए नींबू मिलाते हैं। ये सब तो मुझे बस बनाना नहीं आता, खाना आता है। इसमें एक पूरा नींबू डाल देंगे, जितना ये खट्टा रहेगा उतना वो मुंह में कम लगेगा। ये लगता कैसा है, जैसे लगता है कोई चींटी काट रही है, ऐसे लगता है मुझे फील जो होता है, पता नहीं अब औरों को क्या फील होता है। अब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इतना पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक पेस्ट टाइप का ही बनाना है। थोड़ा सा इसमें और मैं पानी मिला देती हूँ, हल्का सा, थोड़ा सा बस पानी मिलाएंगे। बस इतना है। ये अब मैंने सीख लिया है, सो अब मैं करती हूँ। हाँ हाँ, डालो इस पे। अभी मैं पहले आपका पहला वो रूल फॉलो करती हूँ कि ये थोड़ा थिक हो, तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करूंगी ताकि ये प्लेन, ज्यादा मत कर देना फट जाएगा ये। ये थोड़ा ज्यादा ही, मुझे लगता है मैंने ज्यादा ही कोशिश की अपनी, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस पे आप इस पे डालो। मैं इस पे इसको ऐसे डाल दूंगी, ये ऐसे चिपक गया। इस पे वो डालो बेसन, ये लगाऊंगी। ओहो, मैं तो सीख गई। हाँ हाँ, बस हो गया, अब तो बन गया ये। अभी कुछ भी हुआ है, अभी मेन प्रोसेस बाकी है। ये तो बन गया। ये मैंने किया फिर भी ये ऊंचा हो रहा है। कोई बात नहीं, आ रहा मजा आपको? बहुत बहुत मजा आ रहा है। बस अब आपको क्या जरूरत है किसी की, खुद लाओ घर में बनाओ। अब तो मैं खुद ही बनाऊंगी। देखो मैंने सारे पत्ते एकदम सेट कर दिए हैं, आप ठीक है? तो क्या करना है, साइड से ऐसे ऐसे रोल करना है, मतलब ऐसे फोल्ड कर देना है, इस साइड से भी थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। ओके, इसको कोशिश करना है जितना आप हार्ड इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, दिखाओ। देखो जितना आप इसको हार्ड टाइट से मतलब फोल्ड कर सकते हो करो, तभी ये अच्छे से इसकी ये बाइंडिंग बनेगी। ये कर लोगे आप? ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ये बहुत
लोगों से ये मुड़ता ही नहीं रहता है। बन गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ी देर इसको छोड़ दो जिससे ये अच्छे से चिपक जाए। अच्छे से ये टाइट ये फोल्ड होगा ना, जैसे ये जो बना है अभी, तो इसको फिर हम ऐसे ऐसे इसकी पीसेस काटेंगे, फिर बेसन में लपेट के इसको फ्राई करेंगे जैसे हम फिश फ्राई करते हैं, और इसकी ग्रेवी और सब्जी वैसे ही बनती है फिश जैसी। वाओ, फिश के नाम से तो मेरे मुंह में पानी आ गया। ये जो बेसन बच गया इसमें थोड़ा सा और मैं पानी ऐड करके और फ्राई कर दूंगी। बेसन में फ्राई करना है तो ये हो। अब इसको काट देते हैं, हो गया है, थोड़ा सा मेल्ट हो गया है ना, अंदर से नरम हो गया है। खाओ कैमरामैन। वाओ, बहुत सुंदर। जब देखो ऐसे ही कटिंग करनी है। ओके ओके, इस शेप में। तो ये जो अभी हम बना रहे हैं ना, ये बहुत तरीके से बनता है, स्टीम करके भी बनता है। मुझे लगता है ये वाला सबसे ज्यादा अच्छा बनता है। वो वाला मैंने खाया नहीं है, आपने कौन सा वाला खाया? मुझे पता नहीं मैंने कौन सा खाया। बना कैसे मुझे पता नहीं। कैसी लड़की है ये, देखो ध्यान से। अभी मैंने खाया है, मुझे थोड़ी पता है कैसे बनाया। और हमने लास्ट टाइम कब खाया था? सावन में। आपने ही खिलाया? हाँ, मतलब कि सावन में हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, वैसे हम नॉन वेजिटेरियन है, तो हमें बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो इसको ही बनाते हैं ना। हाँ, ये फिश की तरह एकदम टेस्ट देता है। बेचारी गुलशन चली गई, वो बेचारी बोलती रह गई कि मुझे ये खाना है खाना है। गुलशन, हाँ वीडियो ये देखना तो जरूर कमेंट करना। मैं खा लेती हूँ। देखो कैसी बहन है आपकी। कोई नहीं, हम दोनों बहन है, उसके टेस्ट चला जाएगा। इसको ऐसे पकने देंगे धीरे धीरे, है ना, नहीं बोल रही है अंदर से। हाँ, ये अच्छे से वो क्या हो जाए, पक जाए धीमी आंच पे, मतलब इसको पकने देती हैं अभी थोड़ी देर। अब क्या कर रहे हो आप? अब मैं ये ग्रेवी का मसाला तैयार कर रही हूँ, तो इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। प्याज आपको ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब ग्रेवी के अकॉर्डिंग, दो बड़ा प्याज है तो मतलब एक डाल दो, छोटे हैं तो दो डाल दो, ऐसे करके। क्योंकि इसमें मेन लहसुन, जीरा और राई, राई मीन सरसों, पीला वाला है तो पीला वाला डाल दो, आपको लग रहा है, और अदरक डाल दो, और जितने भी मसाले होते हैं ना, हल्दी, मिर्ची, हरी मिर्च, धनिया, ये सब डाल दो और इसको सबको पीस दो। और हाँ, इसमें थोड़ा खट्टा ज़्यादा डालना होता है, तो आप टमाटर या तो ज़्यादा डाल दो, या फिर थोड़ा सा अगर कच्चा आम है तो कच्चा आम डाल दो, या फिर कई बार कश्मीरी सासू माँ जैसे कि अचार डाल देती हैं, ठीक है, वो भी खट्टा के लिए। आमचूर पाउडर डाल दो, तो इससे क्या होगा ना, ग्रेवी थोड़ी सी खट्टी रहती है, तो वो जो मुँह में थोड़ा सा लगता है ना, जो बता रही थी कि चीटी की तरह लगता है, काटता है, वो नहीं लगता। डाल रही है ये बन गया है ना, अच्छे से लगता है, सीज भी गया और बन गया, अच्छी आ रही है ना। बहुत अच्छा। अब मेरे मुंह में ग्रेवी हो रहा है, मैं बहुत अच्छा अच्छी मुझे फिश वाली की बना रही है। मैंने ये बना लिया है, और आप लोग प्लीज कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोग ये बताना आप कैसे बनाते हैं, ठीक है। पता नहीं इसको मैंने सिखाया, अब इसने सीखा या ना सीखा, सीख गई, नेक्स्ट टाइम बना के खिलाना। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे ब्लॉग्स डालने की। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा वीडियो लगा हो, और लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना, और न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।